नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी के कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष से हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा संप्रदान तत्पुरुष के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। और मैंने आपको बताया था कि जब दो पदों के बीच में संप्रदान कारक के चिन्ह का लूप होगा तो उस स्थिति में वो कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष। उसका चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सत्याग्रह लिखा है ना, आप इसको में संधि भी है, तोड़ेंगे तो क्या मिला? सत्य और आग्रह। इसका मतलब यह हुआ कि सत्य के लिए आग्रह, यानी कि आप किसी से आग्रह करते हैं, किसके लिए आग्रह करते हैं? सत्य के लिए, सत्य बोलने के लिए आग्रह करना, ठीक है। तो सत्याग्रह कौन सा एग्जाम्पल होगा? संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह गौशाला है, गौ के लिए शाला है ना, तो यहाँ पे भी के लिए है, इसके बीच में क्या है? के लिए है। तो आप इसका विग्रह आराम से लिख सकते हैं, इसका क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। इसका क्या होगा? गौ के लिए शाला। यहाँ है परीक्षा भवन, इसके भी बीच में क्या होगा? परीक्षा के लिए भवन, ऐसा भवन जहाँ परीक्षा कराई जाए, तो ये क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए भवन, ठीक है। हथकड़ी यहाँ से तोड़ेंगे, हाथों के लिए कड़ी। तो आप समझ में आ जाएगा आपको देख के ही कि इसके बीच में के लिए ही लगे। हाँ, कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, जैसे रसोई घर, बहुत लोग समझ जाते हैं रसोई का घर, का बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहाँ क्या समझना है? रसोई के लिए घर, यानी कि जो घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है कि उस घर में रसोई होगी, रसोई के लिए घर। उसके नीचे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भूत बलि, और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है नर बलि। भूत बलि और नर बलि में देखिए अंतर क्या समझ लेते हैं, यहाँ भी बलि है यहाँ भी बलि है। अब भूत बलि का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? भूत के लिए बलि कि भूत की बलि, आप सोच के बताइए। भूत की बलि देने का मतलब हो गया कि आप भूत को लेटा के उसी की बलि दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है, ये काम आदमी के बस का नहीं है। सिंपल सी बात है कि भूत के लिए बलि ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मगर जब आप नर बलि बोलते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप कभी बलि नहीं देते, नर के लिए बलि नहीं देते, उल्टा आप नर की बलि भले देते हैं। इसका मतलब यहाँ जो नरबलि लिखा हुआ है इसके बीच में क्या है? की है। तो इसका विग्रह हो जाएगा नर की बलि, और बीच में कौन सा कारक का चिन्ह? काकी के, और काकी के संबंध कारक का चिन्ह होता है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल बना? संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल बना। मगर जब यहाँ आप विग्रह कर रहे हैं तो ये हो रहा है भूत के लिए बलि। यहां पर के लिए चिन्ह आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें लगता है कि भूत बलि और नर बलि दोनों में अंतर कर पाएंगे, और यहाँ के लिए लगा हुआ है इसलिए भूत बलि किसका एग्जाम्पल बन गया? संप्रदान तत्पुरुष का। ये एग्जाम्पल भी आसान है, हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री, समाचार पत्र मतलब समाचारों के लिए पत्र, जनहित सुने भी होंगे, जनहित में जारी यानी जन के लिए हित, जन मतलब लोग, लोगों के लिए हित में जारी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सब संप्रदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अपादान तत्पुरुष में आते हैं, अपादान तत्पुरुष, अपादान का चिन्ह होता है से, और ये से करण से अलग होता है, से का मतलब क्या होता है यहाँ? अलगाव, ठीक है। और अलगाव मतलब जब कोई चीज आपसे दूर जाए तो वहां पर आप से का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो से होता है वो अलगाव वाला अपादान का होता है। अपादान एक्चुअली में अपेत शब्द से बना है, अपेत का मतलब ही होता है पृथक, अलग, ठीक है। जबकि करण कारक में जो से होता है उसको आप के द्वारा से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये भी एक पहचानने का तरीका है। मान लो मैं बोलूं, एग्जांपल दिया अभी था पिछले वीडियो में, चाकू से मारा, यहां पर आप से को चाहें के द्वारा में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं ना, चाकू के द्वारा मारा, आपको लगेगा कि आपके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही एक अच्छा तरीका है पहचानने का कि यहां पर से को के द्वारा से अगर रिप्लेस किया जा सकता है, दैट मींस कि ये से जो है करण कारक साधन वाला है। मगर आप जब दूरी वाले में आते हैं, जैसे हम बोलते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, यहां भी से, यहां के से को हम के द्वारा में बदलें, पेड़ के द्वारा पत्ता गिरता है, आपको खुद लगेगा कि नहीं सही नहीं है। आप बोले मैं घर से विद्यालय जाता हूं, आप कहें घर के द्वारा विद्यालय जाता हूं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि घर के द्वारा विद्यालय जाता हूँ ये सही सेंटेंस नहीं लग रहा है। मगर जब आप बोले साइकिल से विद्यालय जा रहा हूँ और साइकिल के द्वारा विद्यालय जा रहा हूँ,
यहाँ आपको लगेगा कि दोनों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया, बोलने में भी कोई आपको ऑड नहीं लग रहा है। यानी कि जब से को के द्वारा से आप रिप्लेस कर सकते हैं, उस स्थिति में वो जो से होता है करण कारक का होता है, मगर जब आप से को के द्वारा से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं एंड दैट केस आप कह सकते हैं वो अपादान कारक होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, पथ भ्रष्ट, यहां से आप समझ गए होंगे, पथ से भ्रष्ट, यानी कि भ्रष्ट मतलब क्या होता है, भटकना है ना, तो पथ से भ्रष्ट होने का मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये माना कि ये पथ है और कोई व्यक्ति इस पथ से क्या हुआ, भ्रष्ट हो गया, भटक गया, यानी इससे दूर हो गया, दूर हुआ तो यहां पर अपादान हो गया। ठीक है, जन्मांध, जन्म से अंधा। अब यहां पर ये जो जन्म से अंधा हम लिख तो दे रहे हैं, यहां जन्म जो है करण हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जन्म यहां साधन नहीं है, तो ये साधन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या है, ये अपादान है। ऋण मुक्त, ये मुक्त एक ऐसा शब्द है कि जब ये लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि बस वहां पर अपादान ही हो सकता है। ऋण मुक्त, दोष मुक्त, रोग मुक्त है ना, बंधन मुक्त, ये जितने भी मुक्त के एग्जाम्पल, मुक्त का मतलब ही क्या होता है, आप मुक्ति पा गए, अलग हो गए, उससे दूर हो गए, निकल आए, बाहर निकल आए, दूर हो गए, तो जब दूर हो गए तो सिंपल सी बात है, ऋण मुक्त बोला गया, इसका मतलब ऋण से मुक्त हुए, है ना। दोष मुक्त बोला जाता तो दोष से मुक्त होते, रोग मुक्त बोला जाता तो रोग से मुक्त होते, इन सभी केसेस में ये क्या होगा, अपादान का होगा। पदच्युत, च्युत का मतलब आप समझिए, च्युत मतलब होता है गिरा देना, हटा देना, पद से च्युत, पद से क्या किया गया, गिरा दिया गया, हटा दिया गया, तो पदच्युत जो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, अपादान तत्पुरुष का होगा। धर्म विरत, देखो इसी से समझना है आपको, इसीलिए आपको बताया गया बार बार कि अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, आप ये बोलते हैं, और बार बार आप देखो मैं किस पर फोकस कर रहा हूँ, इसी उत्तर पद पे ही तो आप बार बार फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रटिए मत, आप बार बार मत कहिए कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, रट लिया, नहीं, आप खुद समझ में आ रहा होगा कि आप जो है जब समास चेक करने जा रहे हैं तो आप किस पर फोकस कर रहे हैं, पीछे वाले पर, नहीं, आपको भी लगा होगा इतने एग्जाम्पल किए हैं, यहाँ भी आप फोकस किस पे कर रहे हैं, पीछे वाले पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ भी पीछे वाले पर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जिसकी प्रधानता है उसी को आप भी फोकस कर रहे हैं, तो उत्तर पद प्रधान है। धर्म विरत, विरत माने क्या होता है, अलग हो जाना, धर्म विरत मतलब धर्म से विरत, विरत माने क्या, अलग, धर्म से क्या हो गया, अलग। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, धर्म भ्रष्ट भी आप बोल सकते हैं इसी की तरह, ठीक, सारे अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो गए। अब संबंध पे आते हैं, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया कि अब इसमें क्या होगा, संबंध का के की रारेरी नानेनी, इतने एग्जाम्पल, सॉरी इतने चिन्ह होते हैं संबंध का रखे, और इन्हीं का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो आप पहले देखें राजपुरुष, यहाँ किसका लोप होगा, का राजा का पुरुष। घुड़दौड़, यहाँ भी कुछ छुपा हुआ है, आप अगर पकड़ना चाहें तो आप कहेंगे घोड़ों की दौड़, तो की आया तब भी तो ये संबंध है। नरबलि समझा चुके हैं, स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य का वर्धक, स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला, यहां भी का छुपा हुआ है। दुख सागर, सुख सागर, भव सागर, जितने भी हैं का लगा हुआ है, दुख सागर, दुख का सागर, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आप यहां देखिए रामचरित, कृष्णचरित, जितना भी है ये का लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। ये नियमावली को थोड़ा समझ लीजिए, नियमावली को तोड़ेंगे, नियम धन अवली, नियम अवली, अवली माने एग्जैक्टली क्या होता है, पंक्ति होता है, नियमों की पंक्ति, यानी कि ढेर सारे नियम जब लिस्टेड किए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं, तो हम कहेंगे ये नियमों की क्या हो गई, पंक्ति हो गई, इसी को हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं नियमावली। ठीक है, नियमों की पंक्ति, तो यहां पे भी आप क्या लगा रहे हैं, की लगा रहे हैं, तो ये की क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है, और इस कारण से ये संबंध तत्पुरुष हो गया। कोई समस्या, अब आते हैं इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष पे। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे आप बीती, अधिकरण का चिन्ह नहीं होता है, मैं पर पे, यानी इन दोनों के बीच में अब की क्या छुपा होगा, मैं पर पे, आप बीती मतलब क्या हुआ, आप पर बीती, अपने पर बीती, यही ना सोचते हैं आप, तो अपने पर बीती, अगर आप इसका विग्रह लिखें तो आप कहेंगे अपने पर बीती, पर आया है, और ये पर जो है इसीलिए यहां है, और ये जो है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। पुत्र
पुरुषोत्तम, यहां से आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पुरुष धन उत्तम, तो इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, उत्तम माने अच्छा श्रेष्ठ। तो पुरुष क्या है, कैटेगरी है, उस पुरुषों में किसी को उत्तम घोषित किया गया है पुरुषोत्तम। यही सेम इसी तरह यहां भी आप समझ सकते हैं, कविराज, कवियों में राजा, कवि क्या है एक जातिवाचक संज्ञा है और उसमें कोई राजा है। तो यहां पर मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कवियों का राजा, नहीं आपको क्या समझना है इसके बीच में क्या है, में है, तो आप इसका विग्रह कहेंगे कवियों में राजा। तो तमाम एग्जाम्पल है, देवराज इंद्र बोलते हैं आप, देवताओं में राजा, यानी देवराज क्या है, ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। आप बोलते हैं ऋषिराज, देवराज, कविराज, है ना, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। बहुत एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है सिर दर्द, है ना, हमें लगता है आप जाते हैं दुकान वगैरह पे तो आप कहते हैं कि डॉक्टर हमें सिर दर्द की दवा दे दीजिए, आपको पता भी नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली, आप खुद सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, मगर वो फिर भी भावनाओं को समझते हुए सिर दर्द की दवा नहीं देता है, सिर दर्द ठीक करने की दवा देता है, जबकि आपका मतलब तो वही है मगर आप बोलते क्या हैं, आप बोलते हैं सिर दर्द की दवा दे दीजिए, यानी कि ऐसी कोई दवा दीजिए कि सिर में दर्द होने लगे, है ना। अब आप सोचिए कि ऐसे दैनिक जीवन में हम लोग तमाम ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहाँ हम लोग गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं मगर फिर भी सामने वाला हमारी भावनाओं को समझता है और तब जो है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। यहाँ पे सिर दर्द एग्जाम्पल है, आप बताइए सिर का दर्द, सिर में दर्द कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप कहेंगे सिर में दर्द, क्यों, सिर वहां स्थान हो गया और उसमें दर्द हो रहा है तो स्थान को कौन व्यक्त करता है, आप कहेंगे अधिकरण व्यक्त करता है, तो यहाँ पर सिर दर्द क्या हो गया, अधिकरण कारक का, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आइंदा आप मत जाइएगा दुकान पर ये कहने की सिर दर्द की दवा दे दीजिए, वरना वो ऐसी दवा दे देगा कि आप घर आके सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, गृह प्रवेश बहुत आसान है, गृह प्रवेश का मतलब क्या होगा, गृह में प्रवेश, प्रवेश माने एंट्री, है ना, तो इसका विग्रह हो जाएगा गृह में प्रवेश, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़ा क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, जो आधार को व्यक्त करता है वो क्या होता है, अधिकरण होता है। देवाश्रित, देव पर आश्रित, ये बढ़िया एग्जाम्पल है तल्लीन, क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे तो ये तत् धन लीन में टूट जाएगा। तत् माने क्या होता है, संस्कृत अगर आप पढ़े होते तो मैं आपको बताता, तद सर्वनाम होता है, बहुत लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, उसी में आता है तत्, तत् माने होता है उस, और ये है लीन। अब आप खुद सोच के बताओ कि इसके बीच में क्या बैठा जा सकता है, कौन से कारक का चिन्ह आ जाएगा, आप तत्काल कहेंगे मे आ जाएगा, उसमें लीन, किसी कार्य में लीन, उसमें लीन है, एकदम हम बोलते हैं ना कि वो एकदम पढ़ने में तल्लीन, तल्लीन है मतलब उसी में लीन है, खो गया है। ठीक है, तो ये में आया हुआ है अधिकरण कारक का, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार हम लोग जो हैं तत्पुरुष के जो 6 भेद हमने किए थे कर्म से लेके अधिकरण तक, उस पर हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी लिए और रीजनिंग उसके तर्क के आधार पर हमने ये इसका विग्रह भी किया, मगर इतने एग्जाम्पल पर्याप्त नहीं है आपके एग्जाम के लिए और इतना ये मेरे लिए संभव ही नहीं है कि मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल संप्रदान तत्पुरुष के दूं, संभव ही नहीं है, है ना। तो मैं जितना समझा सकता था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उतने एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से मैं ले लिया और आपको समझा दिया, मगर यहीं पर आपकी पढ़ाई समाप्त नहीं होती है, आपको अभी इस पर पर्याप्त मेहनत करना है, पढ़ाने वाला बस इतना सा मेहनत करता है, पढ़ने वाले को उसका 10 गुना 1,00,000 गुना मेहनत करना होता है तब जाकर पे वो बढ़िया कमांड बना पाता है। मेरी मानिए अगर आपको समाज पे कमांड बनाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को विजिट कीजिए, मिलिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को हिट करने का प्रयास करिए, क्योंकि कई एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हर बच्चा पकड़ लेता है, बहुत आसानी से पकड़ लेता है, जैसे घुड़दौड़ है, घोड़े की दौड़, घुड़सवार है, घोड़े पर सवार है, तो ये सभी लोग पकड़ लेंगे, एक कमजोर बालक, एक विशिष्ट बालक, एक बहुत ही प्रतिभाशाली बालक, हर तरह के बालक इसको पकड़ लेंगे। मगर जहां थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल आते हैं जैसे सत्याग्रह हो गया, ये हर लोगों के बस का नहीं है, ये उसी के लिए है जो सत्याग्रह को एक न एक बार विजिट किया होगा, उसको अच्छे से समझा होगा कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, जब वो समझा होगा तो समझ जाएगा ये संप्रदान तत्पुरुष है, मगर जो कभी विजिट ही नहीं किया है उसके लिए कठिन एग्जाम्पल हो गया। तो मेरी मानिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को जहां से आप पा सकते हैं, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, करण तत्पुरुष का उदाहरण, जहां से आप पा सकते हैं
आप गूगल से पा सकते हैं, यूट्यूब से पा सकते हैं, किताबों से पा सकते हैं, लोगों से पा सकते हैं, नोट्स वगैरह से पा सकते हैं, है ना। तो जहां से आप पा सकते हैं वहां वहां से आप तत्पुरुष के उदाहरण को पकड़िए, तत्पुरुष नहीं पूरे समास के उदाहरण को पकड़िए, समझने का प्रयास कीजिए। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो विरोधाभास भी मिलेंगे, उन पर भी कमांड बनाइए। बात समझ गए? जिससे ये होगा कि आप जब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को विजिट किए हैं तो एग्जाम में तो पक्का है समास से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप वहां बड़े आसानी से आप सही जवाब दे सकते हैं। इतने एग्जाम्पल से कुछ भी नहीं होने वाला, ये सच है, और मैं आपको फिर से सच से वाकिफ करा देता हूँ। फिलहाल अधिकरण तत्पुरुष तक हम समाप्त कर गए, और यहां से लेके यहां तक आपको जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क है ना। बहुत से लोग जो हैं हिंदी में मैंने देखा दिए थे जवाब, मगर मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये जवाब दे रहे हैं वो जो हैं बहुत कम संख्या में दे रहे हैं। हमें लगता है 1000, 1300, 1500 व्यू जाते हैं हमारे वीडियो के, और मेरे वीडियो के इतने व्यू जाने के बावजूद मैं देखता हूँ 2% लोग ही केवल जवाब देते हैं। 2% का मतलब हुआ लगभग 10 से 20 लोग। तो ऐसे लोग जागरूक हैं, जवाब देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये उनके पक्ष में है, वो जवाब देना न छोड़ें। और मैं आपको बार बार बताया हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, संस्कृत वाले वीडियो में भी बोलता हूँ कि अगर आपने मुझे तक जवाब अपना पहुँचाया है किसी भी माध्यम से पहुँचाया है तो मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब आपको देता हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजते हो तो, चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो, चाहे आप अपने ग्रुप पर भेजते हो तो, मैं ज़रूर कोई ना कोई उसका रिप्लाई आपको करता हूँ। यानी कि मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं आपके लिए मदद करने के लिए इस लॉकडाउन में भी तैयार हूँ। आप कितना सीखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है कि आपने सीखा यहाँ से इतनी चीज़ें जानी, क्या आप इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद देखना चाहते हैं कि ये क्या यहाँ पर इसके उदाहरण हों, ये किसके उदाहरण है, कौन से तत्पुरुष के हैं, उसका विग्रह क्या है। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप से लिखेंगे, और निश्चित रूप से मानिए कि मैं हर एक बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। और अगर आप पूरी संख्या में अगर 1300 भी जा रहा है और 1300 बच्चे अगर मुझे जवाब देते हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं 1300 बच्चों तक पहुंचूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मगर उससे पहले मैं पिछला वीडियो जब दिया था तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि इसका उत्तर बताइए, बहुत लोगों ने दिया भी था। सही उत्तर मैं आपको बता दूं, आजन्म है तो आ इसमें उपसर्ग है तो ये अव्ययी भाव होगा, यानी कि बहुत बच्चे इसका सही जवाब दिए थे। रक्तहीन है, हीन लगा हुआ है, मैट्रिक बताया था कि ये हीन लगा रहता है तो ये करण तत्पुरुष का उदाहरण होता है, ये भी बहुत बच्चे सही दिए थे। स्वर्ग गत, गत माने होता है गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ, ये को कारक का चिन्ह है, इस कारण से इसमें कर्म तत्पुरुष होगा, ये भी बहुत बच्चे सही लिखे थे। हस्तलिखित में क्या है, हस्त यहाँ साधन है, हाथ एक साधन है, साधन जब आता है तो करण कारक होता है, हाथ के द्वारा लिखित लिखा हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। मगर बहुत से बच्चे इस प्रेमातुर में फंस गए थे, और प्रेमातुर एग्जाम्पल भी ऐसा ही मैंने लिया है कि आप प्रेम में फंसी जाते हैं, तो प्रेमातुर में देखिए क्या होगा सही जवाब। यहाँ प्रेमातुर जो है 2 शब्दों से टूटकर बना है, प्रेम धन आतुर, आतुर माने क्या होता है ये आप समझिए, आतुर का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल, है ना, उतावलापन। यहाँ प्रेम लिखा हुआ है, अब बहुत बच्चे इसका क्या जवाब दिए, प्रेम के लिए आतुर, है ना, ये भी एक सही जवाब हो सकता है, मगर जिसकी प्रतिशतता ज्यादा होगी वही मान्य उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ जिसके दो दो उत्तर हो सकते हैं, मगर जो मान्य ज्यादा है, जिसको ज्यादा प्रतिशत लोग वोट करें, जैसे यहाँ प्रेम के लिए आतुर, वाकई ये भी एक सही वाक्यांश बैठ रहा है कि कोई व्यक्ति प्रेम के लिए आतुर है, मगर उससे ज्यादा यहाँ पर प्रेम साधन बन जा रहा है। अगर मान लीजिए प्रेम से आतुर आप बोलते हैं, आतुर माने क्या हो, व्याकुल, यानी व्याकुल आप हो कैसे रहे हैं, आप साधन हो जा रहा है आपके अंदर उमड़ा हुआ प्रेम, आपके हृदय में एक प्रेम है जो साधन है, और यही प्रेम क्या कर रहा है आपको, आकुल कर रहा है ना, आतुर हो रहे हैं जिससे आप, उससे आप बेचैन हो रहे हैं, तो ये प्रेम क्या है यहाँ पे, साधन है, तो प्रेम के द्वारा आतुर। अभी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है, मैंने कहा है जब से को आप रिप्लेस करिए के द्वारा के, तो आप अगर सही बैठा ले जा रहे हैं, जैसे प्रेम से आतुर बोलिए, प्रेम के द्वारा आतुर बोलिए, दोनों सही बैठ रहा है ना, तो आप यहां समझ जाइए कि यहां पर पक्का है कि इसके बीच में क्या छुपा है, से, और ये कौन सा वाला से है, तो अलगाव वाला तो हो नहीं सकता, के द्वारा वाला है, तो इसलिए प्रेमातुर ये जो एग्जाम्पल होगा ये करण तत्पुरुष का होगा, क्योंकि यहाँ प्रेम एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आतुर हो जा रहा है, तो ये हमें लगता है आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो और बहुत बच्चे इस बात को भी पूछे थे कि रक्तहीन, रक्त करण कारण, करण कारक है क्योंकि मैंने बोला था हीन लगा हुआ है, तो बहुत बच्चे बोले रक्तहीन माने रक्त न होना, तो रक्त न होने से रक्त अलग हो रहा है ऐसा सोच के वो लोगों ने कहा कि ये अपादान तत्पुरुष होगा। तो मैं आपको बता दूं, रक्तहीन मतलब मान लो धनहीन अगर हम बोल रहे हैं, तो धनहीन का मतलब धन न होना बस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप धन से अलग हो गए,
धन से अलग तब होंगे जब तब हम बोलेंगे धन विरत, जैसे यहां आपने एग्जाम्पल लिया था धर्म विरत, उसी तरह अगर हम बोले धन विरत, धन विरत माने आप धन से अलग हैं, आपको धन से कोई मतलब ही नहीं है, आप धन का मतलब समझना ही नहीं चाहते कुछ तो, और धनहीन बोलना धन विरत बोलना दोनों में अंतर है। धन विरत मतलब ये आपका स्वभाव है कि धन से आपको कोई मतलब ही नहीं है, मगर धनहीन का मतलब क्या होता है, जिसके पास धन से मतलब है फिर भी वो धन उसके पास है नहीं, वो धन के द्वारा धन से हीन है, धन के द्वारा क्या किया गया है, हीन हो गया है, धन के द्वारा पीड़ित है। तो यहाँ धन क्या है, साधन है, और साधन है इसीलिए ये क्या है यहाँ पर हीन को मतलब आप ऐसे समझते फेड हो जाना है ना, कोई अर्थ न रह जाना, तो बोलते रंगहीन, रंग के द्वारा हीन है ना, के द्वारा लग गया इसलिए क्या है करण है। तो आप एकदम कंफ्यूज ना हो, जब भी हीन कहीं शब्द दिखाई देता आप उसको करण में ही ले जाएंगे, अपादान में नहीं ले जाएंगे। मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपको पिछले वीडियो के सारे उत्तर बखूबी समझ में आए होंगे, और आशा ये भी करता हूँ कि आपको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।